Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 5 of our Economics Shield series. ठीक है, इस पे हम एग्रीकल्चर के जो बचे हुए पार्ट थे उसको डिस्कस करेंगे. पिछले लेक्चर हमने क्या देख लिया था, पिछले लेक्चर हमने देखा था कि भाई व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है, हमने ये चीज देखी थी और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि भाई क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन फेल कर गया, कहां पर, हमारे ईस्टर्न इंडिया में, और गवर्नमेंट के फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं. ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था. नाउ लेट अस डिस्कस विद द सेकंड पॉइंट, भाई गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स लिए. ठीक है, गवर्नमेंट मतलब क्या क्या स्टेप्स लिए, पॉइंट्स तो हमारे लिए, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए. सबसे पहला स्टेप तो गवर्नमेंट ने लिया फाइनेंशियल इंक्लूजन का. आप सब जानते हो कि भाई गवर्नमेंट ने जीरो बैलेंस खाते को अलाउड किया, और इसका मेन रीजन ये था कि जो भी फार्मर्स हैं उन सबको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिले. ठीक है, जिससे कि वो लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेल कर पाए. ठीक है, इसके बाद RRBs जो है उनको लोन अच्छे से एक्सटेंड करें, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको भी गवर्नमेंट ने खोला कि मतलब जो एग्रीकल्चरल फार्मर इलाके हैं वहाँ पर उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लॉन्च की है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, RRBs को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को. ठीक है, गवर्नमेंट ने शुरू से ये मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करने की कोशिश की, और नया क्या है, जीरो बैलेंस खाता वाला, जीरो बैलेंस अकाउंट. ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी बनाई है. ठीक है, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, जिसका काम क्या है कि जो इरिगेशनल प्रॉब्लम्स एरिया की उसको सॉल्व करें. इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने हर खेत सिंचाई, ठीक है, मतलब हर खेत पानी, ठीक है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब ये सब उसी का पार्ट है. मतलब इन शॉर्ट ये जो जितना आप देखोगे नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी और इसके बाद इरिगेशन, ये सब जो स्कीम्स थी सबको गवर्नमेंट ने एक ही स्कीम के अंदर मर्ज कर दी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ठीक है, कृषि किसान योजना, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना. तो इसके अंदर हर खेत को पानी हो गया है. इसके बाद जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको सॉल्व करना, तो ये सब गवर्नमेंट ने इरिगेशन में करने की कोशिश की. बस याद रखना, एक स्कीम पढ़ लेना, नेशनल मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना. ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को होलिस्टिकली रिव्यू करने के लिए एम एस स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी. ठीक है, उसका जो MSP वाला एंगल है उसको थोड़ा बहुत आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने MSP लेके आई, इसके बारे में आज ही डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी MSP भी छोड़ दे रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई. ठीक है, जिसके तहत क्या होता है कि अगर आपकी जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप्स के बाद जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस देना चालू किया. ठीक है, स्टैंडिंग प्लस हार्वेस्टेड दोनों क्रॉप में इंश्योरेंस है, याद रखना. ठीक है, इसको मत भूलना. और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा डिजिटाइज करने की कोशिश की है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक बार आप फोटो अपलोड कर देते हैं कि भाई आपने जो हार्वेस्ट क्रॉप हार्वेस्ट कर ली, उसके बाद अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो गवर्नमेंट इसका जो भी बकाया पैसा है, मतलब जो इंश्योरेंस का पैसा है, वो गवर्नमेंट वापस करेगी. तो कुछ नए नए फीचर लाए हैं इसमें. ठीक है, इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. इस बार नीम कोटेड यूरिया, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. ठीक है, और सिक्किम बिकेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आप सब जानते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है. ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यू विल स्टडी दैट इन एनवायरमेंट. ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. इसके बाद जो APMC एक्ट 2003 गवर्नमेंट ने लाया था, अब उसको रिफॉर्म करके गवर्नमेंट ने नए 3 फार्म एक्ट लाए हैं. उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में रोक टोक लगा दी है. अब देखते हैं कि भाई आगे डिसीजन क्या आता है. तो जिस तरह से भाई मैं आपके ऊपर एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसी तौर पर फार्म बिल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी. तो अभी इस इशू को आप यहाँ पर छोड़ दीजिए. ठीक है, बस मैं चाहता हूँ पूरा इशू सॉल्व हो जाए, क्या एक्ट बन निकल के आता है, क्या रहेगा, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाए. ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे. इसके बाद गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स, किसान कॉल सेंटर लॉन्च किए हैं. आप सब जानते हैं भाई एक अलग से दूरदर्शन में प्रोग्राम भी आता है, एक अलग से कृषि करके चैनल भी है, और किसान के कॉल सेंटर होते हैं जहाँ पर उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं. जैसे फॉर अगर उनकी कोई भैंस बीमार है, गाय बीमार है, और फिर उसके बाद अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई नई फसल को लेके, कुछ मार्केट प्राइस के लिए, सब के लिए सारे के सारे इश्यूज क्लियर किए जाते हैं. इसके बाद गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी लॉन्च की है. तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी फार्मर्स हैं, ठीक है, उनकी जो सॉइल है उसका सैंपल लेती है, और हर कुछ मतलब रेगुलर इंटरवल में, रेगुलर पीरियड में उसकी रिपोर्ट तैयार करवाती है, मतलब रिपोर्ट देती है, फ्री में देती है. और उसमें यही आपको बताया जाता है कि भैया आपकी सॉइल में अगर आप ये फसल उगाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी सॉइल में ये मिनरल कम है तो आप इसका फर्टिलाइजर यूज करो. तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट लाई है. और रिसेंट में गवर्नमेंट ने पेस्टिसाइड बिल को भी मतलब आप कह सकते हैं पार्लियामेंट में रखा है, और इसका मेन मकसद यही है कि किस तरीके से जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाए. ठीक है, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको बैन किया जाए. और उसके बाद गवर्नमेंट ने फार्मर को अच्छा मतलब डबलिंग देयर इनकम, गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केटिंग पोर्टल, ठीक है, ई नैम लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अब जो फार्मर्स हैं
ऑनलाइन किसी को भी किसी भी स्टेट से क्या कर सकते हैं, अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने नेशनल फूड ग्रिड का प्लान रखा है। नेशनल फूड ग्रिड क्या है कि आप देख सकते हैं कि कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और कुछ रीजन है जहां पर प्रोडक्शन में कमी रहती है। तो उस ग्रिड के थ्रू मतलब जो एक्सेस वाले रीजन है उसकी जो प्रोड्यूस है कहाँ चली जाएगी, डेफिसिट वाले रीजन में, और वहाँ पर से अच्छा दाम मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक रिफॉर्म कैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में, देखो रिफॉर्म इस तरीके से है कुछ कि मैक्सिमम जो फूड रहता है वेस्ट हो जाता है। आपने खुद देखा होगा जो एक्चुअली गोडाउन में से है वहाँ पर जो सामान है चलता रहता है। ठीक है, तो अगर वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, उनका वैल्यू एडिशन होगा, तो कुछ नया प्रोडक्ट बन के निकलेगा और उसका प्राइस भी रॉ फूड से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट ने कुछ अपनी तरफ से स्टेप लिए हैं इसको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे सामने मार्केट सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है मार्केट सपोर्ट प्राइस। देखो जो मार्केट सपोर्ट प्राइस है इसे सबसे पहली बार 1969 में लाया गया था, 1969 मतलब 1969 में लाया गया था। देखो अब यही टाइम पीरियड है हमारे किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का देखो शुरू में मतलब हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन थी देवर एप्रीहेंड अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन की भैया वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बिकॉज उनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा थी और कुछ फ्यूचर नहीं था भैया होगा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, शुरू में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से एक ऐसी स्कीम लाई जिसका नाम था मार्केट सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसको 1969 में लाया गया था और इसका मकसद ये था, देखो शुरू में जब आई थी ना स्कीम तो गवर्नमेंट से कल्टीवेशन सीजन से पहले अपने जो प्राइस है उसे अनाउंस नहीं करती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो अब सीजन आने वाला है किसका आएगा, मान लो गेहूं बोने का। ठीक है, गेहूं बोने का मान लो सीजन आएगा, गेहूं चावल का आएगा तो गर्मी आएगी। हाँ ठीक है, तो चावल बोने का सीजन आएगा। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे मान लो एक महीना बचा है चावल बोने को, तो उस टाइम पे पहले गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस नहीं करती थी, जब पूरा चावल लग जाता था उसके बाद गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस किया करती थी, जिसका लॉस ये होता था कि भाई प्रोडक्शन तो इतनी है। अब भले किसानों को फायदा मिल गया कि उनको अच्छी दाम मिल गया उनकी फसल की और गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिया और गोडाउन में फूड पहुंच गया, लेकिन आप बताओ यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ी नहीं। ठीक है, अगर आप एक महीने पहले अनाउंस करोगे भैया हम आपको फिक्स रेट देंगे इसका, चाहे ज्यादा हो जाए कम हो जाए लॉस हो फायदा हो कुछ नहीं, लेकिन हम आपको इतना फिक्स रेट देंगे, तब ये लोग प्रोडक्शन बढ़ाना चालू करेंगे। तो गवर्नमेंट ने अपनी एक गलती शुरू में जब 1969 में लॉन्च किया था तो उसको रेक्टिफाई किया, और उसके बाद से गवर्नमेंट ने कल्टीवेशन सीजन से पहले ही मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अप्रैल में फसल बोनी है तो मार्च में भी ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी भैया इस टाइम पे चावल के ऊपर इतना एमएसपी देंगे, इसके ऊपर इतना एमएसपी देंगे, और गवर्नमेंट ने इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसे ओपन एंडेड रखा था। मतलब जितना आप दोगे, मतलब जितना आप दे सकते हो उतना हमें देते हो, पूरी फसल दे दो, पूरा खेत दे दो, आप सब कुछ परचेज करेंगे एट द प्राइस ऑफ एमएसपी। तो ये सबसे ज्यादा मोटिवेशनल चीज थी हमारे फार्मर्स के लिए, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो पाया। ठीक है, तो शुरू में जब 1969 में एमएसपी को अनाउंस किया गया था तो इसका जो प्राइस था दैट वॉज डिसाइडेड बाय एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। ठीक है, अलग से कमेटी बनाई गई थी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो कि डिसाइड करती थी, लेकिन इसे इसको 1950 में इसका नाम बदल दिया जाता है और नाम दिया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब ये कमेटी कैसे डिसाइड करती है भाई कि क्या क्या कॉस्ट होगा, देखो यहाँ हमारी जो कमेटी है वो हर चीज़ को अकाउंट लेती है, फॉर एग्जाम्पल वेलबींग ऑफ द फार्मर एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से एमएसपी का प्राइस भी ज़्यादा होगा, मतलब किसी फसल का प्राइस ज़्यादा होगा, ऊपर से किसानों को क्या क्या जरूरत है, उनका हेल्थ का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, और ऊपर से जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, प्रॉफिट कितना था, ये सब इंक्लूड करके गवर्नमेंट मतलब जो CACP है वो क्या करती है एमएसपी को डिसाइड करती है। ठीक है, अब इसका फायदा ये होता है, सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर मान लो किसी साल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, आपको डिमांड सप्लाई में पता है ना, मैंने आपको बताया था अपने बहुत सारे लेक्चर बताए डिमांड सप्लाई के बारे में मैंने, कि भाई अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो उसका प्राइस भी कम हो जाता है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन सप्लाई। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सप्लाई। अब हमारे सामने क्या है सप्लाई। ठीक है, अगर मान लो कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया था उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास चार एप्पल है, ठीक है, मेरे पास मान लो पाँच एप्पल है और सामने खरीदने वाले सिर्फ तीन लोग हैं, एक दो तीन, तो सिंपल सी बात है भाई इनका प्राइस कम बिकेगा, लेकिन इसी की जगह सिर्फ एक एप्पल है तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस बढ़ जाएगा, बिकॉज तीन लोग बोलेंगे भैया मुझे तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से प्राइस बढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कभी आप मसूरी जाते हैं और शिमला जाते हैं तो वहाँ पर अगर सीजन वाला मतलब समय और बर्फ वाला सीजन रहता है तो जो प्राइस एक टाइम पे मतलब जो रूम 800 मिल रहा था वो ऑटोमेटिकली 1200-1500 तक चला जाता है। ठीक है, 1500 चला जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, अगर डिमांड अगर सप्लाई कम है तो डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। तो आप देखो यहाँ पर ये चीज़ होती आती है कि अगर मान लो किसी दिन मान लो किसी भी साल राइस की या वीट प्रोडक्शन बहुत हाई हुई, सिंपल सी बात है कि जो फार्मर को उसकी प्रोड्यूस का खर्चा वो बहुत कम मिलेगा, तो गवर्नमेंट यहाँ पर फिक्स कर दिया भैया आप ज़्यादा हुआ कम होगा आपको फिक्स रेट मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, जितना ठोका उतना ठोको,
और पूरा हम खरीदेंगे। तो ये सब जो है क्या है कि गवर्नमेंट को मतलब हमारे फार्मों को यहाँ पर सिक्योरिटी मिल जाती है। दूसरा चीज ये आता है कि यही जो प्राइस है यही प्राइस प्राइवेट एजेंसीज को भी फॉलो करना पड़ता है, दो ये लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है, ये लोग फॉलो नहीं करते, ये लोग अभी फार्मों को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके बाद अगर मान लो किसी बहाने प्रोडक्शन लो हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जिस टाइप की प्रोडक्शन हाई है, ठीक है, तो मतलब सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस थोड़ा सा कम होगा बिकॉज डिमांड भी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। लेकिन मान लो प्रोडक्शन लो हो गया, मतलब मान लो फसल कम होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो उसकी फसल रहती है प्याज की, ठीक है, अगर मान लो प्याज इस बार कम होगी तो सिंपल सी बात है अगर आप MSP भी बेचोगे तो फिक्स प्राइस पे बेचेगी, मान लो 50 रुपये में बिकेगी। लेकिन अब भैया प्याज की प्रोडक्शन कम हुई है तो अल्टीमेटली उसका प्राइस भी ज़्यादा होना चाहिए, मान लो 70 रुपये होना चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर अपने हिसाब से MSP को एडजस्ट भी कर सकती है, ठीक है, अगर मान लो प्रोडक्शन लो है तो उसको बढ़ा के 70 रुपये भी कर सकती है, तो ये भी इसमें फीचर है, ठीक है। और उसके बाद याद रखना कि अप्रोक्सीमेटली 24 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए क्या किया जाता है, हमारी MSP अनाउंस की जाती है, और ये हो सकता है बढ़ गया हो तो एक बार आप डेटा चेक कर लीजिएगा। एक चीज़ और, शुगर केन के लिए MSP अनाउंस नहीं होती, उसके लिए SAP अनाउंस होता है, SAP, इसको अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, इसको हम पढ़ेंगे, याद रखना। लेकिन SAP अनाउंस होता है, MSP नहीं, ठीक है। तो ये स्टेट एडवाइस प्राइस क्या होता है उसको पढ़ने से पहले लेट अस डिस्कस सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ MSP कि भाई MSP की क्या क्या ड्रॉबैक है। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि भाई किसानों के हिसाब से उनको उनकी फसल का पूरा हिसाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने आपको बताया था जो किसान है अपनी फसल मान लो 50 रुपये किलो में बेच रहा है, 50 रुपये किलो में गेहूँ बेच दिया, लेकिन जब वही उसी फसल को वो मार्केट से खरीदने जाएगा तो 70 रुपये में मिलता है। तो अल्टीमेटली भैया वो तो 20 रुपये के लॉस है ना, इन्फ्लेशन मतलब आप जो उनका प्रॉफिट है वो नहीं देते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसानों की, मतलब जिसके ऊपर हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, और वो सही भी है, ठीक है। ऊपर से गवर्नमेंट आप देखो MSP पे प्राइस को MSP को प्रोडक्ट को मतलब MSP पे फसल को खरीद रही है, तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिस्कल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट को अपने टैक्स से ही सब पैसे चुकाने पड़ते हैं। मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट बताया था, ये अगर आपको याद हो तो, ठीक है, अलग से लेक्चर लिया गया था इसके ऊपर। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम MSP ये है कि भैया ये लोग पेरिशेबल आइटम्स इंक्लूड नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल फूड, वेजिटेबल। अब ये सब जो इसकी जो फसल होती है अगर इसको एक से दो दिन नहीं निकाला जाए तो इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, इसे लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ सबका। तो अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर MSP अनाउंस करती तो यहाँ पर लोगों को फायदा होता ना यार, कि चलो खराब हुए अच्छा हुआ, अगर तो आराम से प्रोड्यूस करेंगे अच्छा फायदा होगा। तो इसलिए आप देखोगे हमारे फूड्स वेजिटेबल्स के प्राइस ना बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, कभी एकदम से सस्ते हो जाते हैं कभी एकदम से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MSP के ड्रॉबैक्स। अब इसके बाद स्टेट एडवाइस प्राइस समझो, ठीक है, SAP को समझो, ठीक है, कि SAP क्या होता है। तो याद रखना कि जो MSP जो है शुगर केन के ऊपर नहीं लगता है, शुगर केन के ऊपर SAP लगता है, स्टेट एडवाइस प्राइस, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो हमारी शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन जो गन्ने हैं, आप जानते हो कि इसकी UP में बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, शुगर तो बाद में बनती है लेकिन पॉलिटिक्स पहले बनती है, तो इसकी जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर अच्छी पकती है बिकॉज वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत हैवी होता है इसका, शुगर केन का, ठीक है। सो हमारी जो CACP है वो भी इसका मतलब वही इसका प्राइस अनाउंस करती है, ठीक है, वही इसका प्राइस जो है अनाउंस करती है, ठीक है। तो शुरू में अगर आप देखेंगे कि भाई ये जो गन्ने वाले फार्मर हैं, मतलब गन्ने वाले फार्मर ने हमारी जो है क्या है CACP के अनाउंस पे MSP के अनाउंस पे हमारी बहुत सारी शुगर केन प्रोड्यूस कर दी। अब इन लोगों को लग रहा था क्या है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस मिलेगा, लेकिन इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो गवर्नमेंट नहीं करती है, जो प्रोक्योरमेंट है वो शुगर प्रोड्यूसर करते हैं, मतलब जो फैक्ट्री होती है ना वो लोग करते हैं। आप सब जानते होंगे कि बड़े बड़े जत्थों में मतलब फैक्ट्रीज तक क्या जाती है, गन्ना जाती है, और गन्ना जब जाता है तो वहाँ पर ये उनकी पेमेंट करते हैं। लेकिन जो हमारे शुगर प्रोड्यूसर है ना, शुगर प्रोड्यूसर बार बार गवर्नमेंट से कंप्लेन कर रहे थे कि भाई ये जो हमारे पास जितना आप SAP मतलब डिसाइड कर रहे हो, जो SAP डिसाइड कर रहे हो वो सही नहीं है, वो बिल्कुल तरीके सही नहीं है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा SAP डिसाइड कर रहे हो, उतना हमें बनता नहीं है, तो हम तो उससे कम प्राइस पर लेंगे, ठीक है, उससे कम प्राइस पर लेंगे। तो गवर्नमेंट 2009 पे एक डिसीजन लेती है, और डिसीजन ये रहता है कि गवर्नमेंट बोल देती है कि CACP को एक्चुअली रिड्यूस कर देती है, ठीक है, CACP को रिड्यूस कर देती है। अब इसके बाद लेकिन जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनकी भी यहाँ से पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, तो बोलते नहीं 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 ये गलत है, हम क्या करेंगे कि जो SAP का प्राइस है जो CACP ने कम किया है उसको कम कर देंगे, मतलब उसको दोबारा बढ़ा देंगे, क्या करेंगे उसको बढ़ा देंगे, फाइन। अब जब इन लोगों ने SAP का प्राइस बढ़ा दिया, फिर से हमारे शुगर प्रोड्यूसर ने किससे कंप्लेन की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंप्लेन की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई हमने तो कम कर दी है, तो हम तो जितना हमने CACP बोला आप उतना ही दो। लेकिन इसके बाद ये जो CACP के डिसीजन के अगेंस्ट ना प्रोटेस्ट होना चालू हो जाता है, क्या होता है प्रोटेस्ट होना चालू हो जाता है। अब इसके बाद गवर्नमेंट एक फाइनली एक सोल्यूशन पर पहुंचती है, ये बोलती है भैया हम अपनी तरफ से CACP डिसाइड कर देंगे, ठीक है, ये मान लो कि 10 रुपये पे एक गन्ना लेंगे हम, ठीक है, तो ये हमारे तरफ से चेंज नहीं होगा, और ये प्राइस शुगर प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोलती नहीं भैया हम तो उनको चाहते हैं कि आप 50 रुपए दो, ठीक है सैट के हिसाब से 50 रुपए दो। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला भैया आप क्या करो हम यहाँ पर चीज को फिक्स कर देते हैं, अब आपको 10 रुपए के ऊपर जितना देना है वो दे दो, ठीक है जितना आपको देना है वो आप दे दो अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब ये मतलब फाइनल मतलब इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है अपनी तरफ से सीएसईबी के हिसाब से क्या करती है एक सैट डिसाइड कर देती है, जो कि शुगर प्रोड्यूसरों पर कंपलसरी नहीं है, उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है अगर वो चाहे तो 8 रुपये में ले सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग ज्यादा प्राइस पे दे रहे हैं, जैसे ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट बोला कि भैया आप इनका जो शुगर केन है गन्ना है उसको आप 50 रुपये में खरीदिए, तो ये लोग खरीद तो लेंगे लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा है ना वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पे करेगी, उसी को सैप कहा जाता है, ठीक है मतलब स्टेट एडवाइजरी प्राइस, मतलब सीएसईपी वाला जो प्राइस है एमएसपी है, स्टेट अपनी तरफ से प्राइस एडवाइस कर रही है, इसलिए स्टेट एडवाइस प्राइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है ओके। तो आई थिंक इज इट क्लियर नाउ, फाइन ओके। सो नाउ लेट मी चेक द टाइम, अगर बचा होगा तो वी विल स्टार्ट विथ पीडीएस, आई डोंट थिंक सो बचा होगा, हाँ 60 मिनट्स हो गए तो सही है देते हैं। अब देखो सिर्फ 3 से 4 चीजें बची हैं, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस।